Amber Shroff, Jacqueline Fernandez, Nathan Jones, Ekta Kapoor and Remo D'Souza were present at the trailer launch of A Flying Jatt. The stars who interacted with media had a fun time at the event. हम सब जानते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत ही दिलदार और बहुत ही स्ट्रांग होती है और मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले इनफैक्ट मैं आपको बता दूं किसी को नहीं पता है मेरे एक्टर्स को भी नहीं पता है ये स्क्रिप्ट मेरे पास थी बिफोर आई इवन स्टार्टेड डायरेक्टिंग क्योंकि मेरी पहली स्क्रिप्ट थी जो मैंने अभी बनाई है तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी सोचा है ये बहुत सालों से सोचता है और मुझे एक सुपर हीरो चाहिए था जो इनोसेंट हो अडोरेबल हो और हमारे जैसा हो कि पावर्स तो हैं लेकिन उसको खुद को नहीं पता है कैसे यूज़ करना है तो वो मुझे चाहिए था और सिख कम्युनिटी के लिए इसलिए क्योंकि इस फिल्म में एक लड़के की जर्नी दिखानी थी अबाउट खंडा जो बहुत हमारे सिख कम्युनिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट खंडा है वो उसकी ताकत और टर्बन की इम्पोर्टेंस ये एक लड़के की जर्नी के थ्रू वो जब पता करता है तब जाके ये एक रियल सिख बनता है तो वो भी जर्नी है इस फिल्म में ये सिर्फ सुपर हीरो की फिल्म नहीं है ये एक लड़के की अपने आप को पहचान देने की कि वो एक सिख है वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट्स व्हाई इट्स अ सिख सुपर हीरो द प्रेपरेशन वाज वेरी डिफिकल्ट एक अलग किस्म की एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम इस मूवी में सो अ लॉट ऑफ हार्नेस वर्क एज वेल एज अ लॉट ऑफ मार्शल आर्ट बेस्ड एक्शन एट द सेम टाइम फॉर माई कैरेक्टर It's a very different character from what I've played in the past, you know. He's not a typical hero and not exactly a typical superhero. But thankfully to Remo sir, he gave me a lot of time to prepare for the action sequences, to get into the skin of the character and, you know, to learn a little about the Punjabi culture. Action ke maamle mein agar baat kare to, I think it was a treat to work with Nathan sir. You know, he looks very powerful. He is very powerful, but he's also he's a thorough professional. In case you all didn't know, he was also a wrestler. Yes. So he has that control over his body language. And so thank you for not killing me. no, but yeah, he's very good with his, he looks very big, but he's very agile for his size. So, you know, there was not a single instance where, you know, any of us were injured while we were fighting. So, yeah. हम लोग एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे राजस्थान में डेजर्ट में और इनको बुलाया गया और वो आपने शॉट देखा होगा वो रेत से बाहर निकलते हैं तो एक्शन चालू हुआ और इन्होंने मारना शुरू किया फाइटर्स को एक फाइटर आया मेरे पास बोला सर कुछ कहना है आपसे मैंने बोला क्या बोला सर मेरे 5 बच्चे हैं प्लीज़ ये शॉट मुझे मत देने दो